नेशनल हेराल्ड केस में लगातार तीसरे दिन फिर राहुल गांधी की ईडी के सामने पेशी। कांग्रेस और ईडी दफ्तर के बाहर कांग्रेसियों का हंगामा, सीएम भूपेश भी रहे मौजूद। बीजेपी आज कर सकती है इंदौर रतलाम ग्वालियर के मेयर प्रत्याशी की घोषणा। इंदौर से पुष्यमित्र भार्गव के नाम पर सहमति। भोपाल में बीजेपी चुनाव संचालन प्रबंधन समिति की बैठक जारी। इंदौर में कांग्रेस का आज शक्ति प्रदर्शन। कांग्रेस प्रत्याशी संजय शुक्ला भरेंगे नामांकन। कमलनाथ समेत कई दिग्गज नेता रहेंगे मौजूद। भोपाल में अमीरिया अस्पताल के अधीक्षक पर छेड़छाड़ का आरोप। 50 से ज्यादा नर्सों ने अश्लीलता का लगाया गंभीर आरोप। मामले में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने दिए जांच के आदेश। देश का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन सफल। 10 साल के राहुल को मिली नई जिंदगी। 105 घंटे बाद 60 फीट नीचे बोरवेल से सुरक्षित बाहर निकाला। बिलासपुर में राहुल भर्ती। हालत पहले से बेहतर। भूपेश ने सफल ऑपरेशन कर दी सभी को बधाई। दिवाली तक मिल सकता है 5G सेवाओं का तोहफा। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी को कैबिनेट ने दी मंजूरी। दिवाली तक 5G सेवाओं का तोहफा। और पाकिस्तानी हवाओं ने रोका मध्य प्रदेश में मॉनसून का रास्ता। महाराष्ट्र की बॉर्डर पर अटका मॉनसून। अब जबलपुर के रास्ते होगी मॉनसून की एंट्री। भोपाल में 18 जून तक हो सकती है बारिश।